ट्रॉल, ठीक है। कार्ल ट्रॉल जो है उनका जन्म हुआ कब, 1899 में, एंड उनकी मृत्यु कब हुई, 1968 में। इस बीच में क्या क्या हुआ देखते हैं। ही वॉज द इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफर ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता ये हैं। ही स्टडीड बॉटनी इन म्यूनिक यूनिवर्सिटी, ठीक है। म्यूनिक यूनिवर्सिटी से याद आया कि एक पिक्चर है म्यूनिक, देखना भाई, बड़ा मज़ेदार पिक्चर है। मतलब मज़ेदार क्या कहेंगे, वो इंटरटेनिंग तो नहीं है लेकिन सत्य घटनाओं पे आधारित है, आप देखिएगा मज़ा आ जाएगा। तो इन्होंने बॉटनी की पढ़ाई की थी म्यूनिक यूनिवर्सिटी में, ठीक है। 1921 में इन्होंने बॉटनी में ही अपनी PhD यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जो है वो कंप्लीट की। अब इनके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, ठीक। नेक्स्ट, इन्होंने रिसर्च की किस पर, फिजिकल ज्योग्राफी में। और कब रिसर्च की, जब ये इन्फ्लुएंस में आए किसके, पेंक के। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि ये अल्बर्ट पेंक के इन्फ्लुएंस में आए थे या वॉल्टर पेंक के इन्फ्लुएंस में आए थे। अगर आपको पता है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो जब ये पेंक के इन्फ्लुएंस में आए तब इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में रिसर्च की। और इनिशियली मतलब इनकी पढ़ाई किसमें थी, बॉटनी में, वनस्पति विज्ञान में इन्होंने पढ़ाई की थी। चलो अगला पॉइंट, ही ट्रेवल्ड टू आर्कटिक एज द असिस्टेंट ऑफ रिस्टोफेन। जब रिस्टोफेन आर्कटिक जा रहे थे तो उनके असिस्टेंट बन के कौन गया था, कार्ल ट्रोल। कितने अच्छे लोग हैं भाई, घूमते कितना थे यार, यहाँ तो घर से नहीं निकल पाते हैं। 1937 यानी कि 1937 में इनको बोन यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ बोन में एज अ प्रोफेसर अपॉइंट किया गया था। किसको, कार्ल ट्रोल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन 1937 यानी कि 1937 में जब इनको बोन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाया गया था, देखो नौकरी मिलते ही बंदा निकल गया घूमने के लिए। किस तरफ, इंडिया की तरफ आए थे ये। अपने इंडिया में नंगा पर्वत है ना, तो नंगा पर्वत की यात्रा इन्होंने की थी 1937 में, ठीक है। ही वॉज अ रीजनल इकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया था जिसका नाम इन्होंने रखा था अर्धकुंडे, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अर्धकुंडे किसकी किताब है, कमेंट में बताओ। अर्धकुंडे नाम का एक जर्नल इन्होंने स्टार्ट किया था 1947 में, जब भारत को आजादी मिली थी, ठीक है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट पॉइंट, ही वर्कड इन बायो ज्योग्राफी। इन्होंने जैव भूगोल, जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, और ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल में काम किया था, ठीक है। बुक्स की बात करते हैं, हमारे ट्रॉल साहब की बुक्स कौन कौन सी हैं। पहली, ग्लेशियोलॉजी ऑफ अल्पाइन फोरलैंड, 1924 में पब्लिश हुई। दूसरी किताब है इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका। अब देखो इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसका, ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का वो पार्ट जो कि ट्रॉपिकल जोन में आता है, ठीक है, उसका इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन्होंने किताब लिखी, 1930 में पब्लिश हुई। तीसरी किताब ग्लेशियल मॉर्फोलॉजी ऑफ वेवर्निया जो कि 1930 में पब्लिश हुई। और चौथी किताब स्ट्रक्चरल सॉइल कॉमा सॉइल फ्लक्चुएशन एंड पोस्ट क्लाइमेट्स ऑफ द अर्थ जो कि 1944 में पब्लिश हुई, ठीक है। तो ये चार किताबें इन्होंने लिखी थी, समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट कार ट्रॉल।